आखिर क्यों स्वयं साईं बाबा को होना पड़ा अदालत में हाजिर, और फिर जो हुआ उसे देख सभी लोगों के होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साई जीवन माला यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि साई बाबा की सभी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, आज हम साई बाबा और उनके भक्त की ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे आपको सुनना चाहिए। आपने इंसानों को कोर्ट जाते तो सुना होगा, पर क्या आपने कभी साई बाबा को कोर्ट में आते हुए देखा है? नहीं ना, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। यह सच्ची घटना घटी थी 1987 में, जब शिरडी में एक संत रहा करता था जो हर रोज साई बाबा की पूजा करता और वहाँ की मिट्टी को तिलक मानकर अपने सर पर लगाकर वापस लौट जाता, पर कभी भी वह मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। लेकिन वहाँ पर के लोग उन्हें जज साहब कहकर पुकारते थे। एक दिन वहीं के पुरोहित ने उनसे पूछा कि यहाँ के सभी लोग उन्हें जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं। तब पुरोहित ने उन्हें पूरी सच्ची घटना बताई। कुछ समय पहले दक्षिण भारत में यह व्यक्ति जज हुआ करता था। एक बार इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का केस लड़ा कि उस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि ये जिस शहर में रहते थे उस शहर से सटा हुआ एक गांव था, जहां श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति बहुत ही गरीब था, जिसने अपने बेटी के शादी के लिए गांव के जमींदार से कर्ज लिया था। और जब श्याम ने सारा पैसा जमींदार को लौटाना चाहा और वह जमींदार के पास गया, तो जमींदार ने उसे कागज में हस्ताक्षर करवा लिए। उसने लिखा था कि श्याम ने ब्याज सहित सारे पैसे चुका दिए हैं। जिसके बाद जमींदार ने कहा, श्याम इस कागज को ध्यान से पढ़ लो। लेकिन श्याम तो अनपढ़ था। श्याम ने कहा, मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं, जो जाने मेरे साईं बाबा जाने। यह सारी बात सुनकर जमींदार को लालच आ गया। उन्हें लगा कि यह तो अनपढ़ है, अभी इसी वक्त कागज बदल देता हूँ। उन्होंने धोखे से कागज को बदल दिया और फिर कुछ समय बाद श्याम जी के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करा दिया कि श्याम ने अभी तक मेरे कर्ज के पैसे नहीं चुकाए। केस के दौरान श्याम ने अपने बचाव के लिए वह कागज पेश किया, किंतु जमींदार ने तो उसे पहले ही बदल दिया था। उसने तो लिखा था कि श्याम ने अभी तक पैसे नहीं चुकाए हैं। जिसके बाद जज ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास और कोई सबूत है? उन्होंने कहा कि नहीं, जब मैं पैसे दे रहा था तब वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था सिवाय मेरे साईनाथ के। तब अदालत ने साईनाथ को अदालत में पेश होने की इच्छा जताई। अगली सुनवाई के दौरान अदालत में एक बूढ़ा व्यक्ति पहुँचा, जिन्होंने सर पर साफा और सफेद रंग का कुर्ता पहने हुए थे। उन्होंने जज साहब से कहा, श्याम बेकसूर है। जज ने सबूत मांगा तो बूढ़ा व्यक्ति का कहना था, जमींदार के कमरे के अलमारी के चौथे खंड के फाइल नंबर 19 में श्याम जी का बेकसूर होने का सबूत है। जब इसकी छानबीन की गई, तो पता चला कि ये सच है। उस व्यक्ति का नाम साईनाथ था। जिसके बाद जज ने श्याम से पूछा कि यह बूढ़ा व्यक्ति कौन है, तो श्याम जी ने उन्हें सारी बात बताई। जिसके बाद जज पूरी सच्चाई सुनकर और सच्चाई को जानकर हक्का बक्का रह गया और पछतावे में आकर संत की जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, जज को तब से बड़ा पछतावा था कि साक्षात साईं बाबा मेरी अदालत में आए थे और उनके सामने वह कुर्सी पर बैठा रहा। उन्हें पता ही नहीं चला कि यह साक्षात साईं बाबा है। तब जज ने इस पछतावे के कारण संत की जिंदगी जीना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है इस कहानी को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।